नमस्कार दोस्तों, राइट मेडिसिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो चलिए आज हम बता रहे हैं दिव्या स्वसारी प्रवाही के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये दवा श्वास से संबंधित रोगों के लिए है। आइए जानते हैं इस दवा के बारे में। दिव्या स्वसारी प्रवाही स्वामी रामदेव की पतंजलि दिव्य फार्मेसी में निर्मित आयुर्वेदिक दवा है। यह दवा प्राकृतिक जड़ी बूटियों और खनिजों से बनी है तथा इसका प्रयोग सांस संबंधी रेस्पिरेटरी एलिमेंट बीमारियों जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, खांसी, श्वास रोग, दमा, गले के विकारों आदि में किया जाता है। यह दवा विशेषतः अस्थमा के उपचार में उपयोगी है। इस दवा के सेवन से श्वसन अंग के सही तरह से कार्य करने में मदद मिलती है। अब आइए जानते हैं श्वास के रोगों से जुड़ी बीमारियों के बारे में और इससे कैसे बचा जा सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हमें परेशानी होती है, अगर वो हवा में हो और सांस लेने पर लगातार हमारे फेफड़ों में जाता है, तो ऐसा होने से हमें क्रोनिक खांसी हो सकती है। सिगरेट का धुआं क्रोनिक खांसी का सबसे सामान्य कारण है। धूल, पालतू जानवरों की रूसी, छोटे कण, औद्योगिक केमिकल, प्रदूषण, सिगरेट और पाइप स्मोकिंग, सबकी वजह से भी हमें क्रोनिक खांसी हो सकती है। बच्चों में क्रोनिक खांसी अक्सर अस्थमा की वजह से होती है। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज की स्थिति में भी बच्चों को खांसी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मौसम बदलते ही गले में खराश होना आम बात है। सामान्य शब्दों में गले में खराश गले का इन्फेक्शन है। आमतौर पर गले का इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन ज्यादा गले की है खराश वायरस के कारण होती है। यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह जितने दिन रहता है काफी कष्ट देता है। सब मिला जुलाकर ये दवा श्वास संबंधित रोगों के लिए एक असरदायक दवा है। अब आइए जानते इस दवा के उपयोग के बारे में। इस दवा को एक चम्मच सुबह शाम लें और ध्यान देने वाली बात है कि इस दवा को 4 से 5 सप्ताह से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो के साथ नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।